वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के अंक चार के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी परीक्षा में जितने भी आपके अंक चार से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, वो मैं आपके लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। और अब आपको किसी भी अफवाह में नहीं पढ़ना है, अब आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा आपकी होंगी और आपके और लॉकडाउन के बाद परीक्षा निश्चित है, अवश्य ही आपकी परीक्षा होंगी। इसीलिए अब आप किसी भी न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ें, किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़ें। जैसे ही आपका टाइम टेबल आ जाएगा, हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे और सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। इसीलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो देखो, अगर आपने हमारे स्टार फनी क्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी माइंड की जो पावर होती है वो इंक्रीज होती है ऐसे सवालों को सॉल्व करने से, और आपको जो आपकी सोचने की शक्ति वह भी बढ़ती है और आपको याद करने की क्षमता आपकी अधिक हो जाती है। इसीलिए आप ऐसे सवालों को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप हमारे चैनल से पढ़िए सवालों को, और दूसरे चैनल से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, यूट्यूब से ऐसे सवालों को आप पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है माइंड की वो तेज़ होती है ऐसे सवालों से, क्योंकि अपन सोचते हैं ना ऐसे सवालों में, इसीलिए आप ऐसे सवालों को ज़्यादा देखा करिए। ओके, तो आइए अब देखते हैं अपन कौन से इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट। वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, ऐसे मैं आपको 10 प्रश्नों पर टेक लगाऊंगा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर कह सकते हो पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ओके, दूसरा प्रश्न अभिक्रिया की दर क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए, जबकि विशिष्ट दर स्थिरांक ये आपका दिया है, ठीक है। इसमें आपका पहला सवाल है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और तीसरा और चौथा, इन तीनों में से आपको एक एग्जाम में मिल सकता है, 101% आपको एग्जाम में मिल सकता है एक चार नंबर का। अगला देखते हैं, अगला आ जाइएगा, पायरोलिसाइट एस के KMnO4 बनाने की विधि का समीकरण सहित वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2020 एग्जाम के लिए, एक यह प्रश्न और आपका एक यह प्रश्न और आपका डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अंतर, इन तीनों प्रश्नों में से भी आपको एक प्रश्न एग्जाम में मिल सकता है। ओके, आप अच्छे से तैयार करें अब इन प्रश्नों को, आपके पास काफ़ी टाइम है, अच्छे से तैयार भी कर सकते हो। अब देखो, इसमें नवा प्रश्न है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट कर लें और क्लोरोफॉर्म से जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको आप पक्के कर लें, इनमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर आप क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन पक्के कर लेते हो और आप जो DDT BSC सेंडमियर अभिक्रिया उन्सडीकर अभिक्रिया इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, क्या होता है जबकि ये रिएक्शन होती है, मेथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है, ये रिएक्शंस हैं, इनको आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल जरूर आएगा, 100% आएगा, इसको आप अच्छे से करके जाएं, और यह भी प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपका सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की किटोन विधि का वर्णन कीजिए, इन चारों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न एग्जाम में मिल सकता है, इन चारों को अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रोजनमुंड पर टिप्पणी लिखिए, यह अभिक्रिया पारिकन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण सेको अभिक्रिया, इस चारों ही अभिक्रियाओं में से आपको दो अभिक्रिया मिल सकती है एग्जाम में, दो अभिक्रिया पूछी जाती है, चार नंबर की, दो दो नंबर की, एक आती है दो नंबर की, यानी टिप्पणी पूछी जाती है आपकी रोजनमुंड अभिक्रिया और पारिकन अभिक्रिया, ऐसे पूछी जा सकती है, यानी चार नंबर की पूछी जाएगी, दो दो नंबर की। ओके, ऐसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यह भी आपकी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, और सिरका विधि इस साल आने के चांस है बहुत ज़्यादा, सिरका विधि को आप अच्छे से पक्का कर लीजिए। ओके, और एसीटोन को आप याद करना चाहे तो कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे जो स्टूडेंट इस अफवाह में मतलब ये ना सोचे कि पेपर नहीं होंगे, पेपर आपके होंगे, ज़रूर होंगे, 100% होंगे आपके पेपर, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट को यह वीडियो शेयर कर दें, ताकि वह भी अच्छे अंक की तैयारी कर सके, उन इन प्रश्नों को याद कर सके अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।